देखो जरा मिसलिनियस एक्सरसाइज निकालो जरा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मिसलिनियस एक्सरसाइज का बताओ। 2 cos π/13, 2 cos π/13, cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये LHS है और हमें RHS के इक्वल इसको प्रूव करना है। ठीक है, इसको RHS के इक्वल प्रूव करना है। कैसे करोगे? RHS 0 गिवन है ना, तो हमें इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। बच्चे इस पे आप 2 cos a cos b लगा दो। क्या लगा दो? 2 cos a cos b। क्या होता है 2 cos a cos b बताओ जरा। आप लोगों ने आइडेंटिटी याद किया नहीं की? 2 cos a cos b बताओ क्या होता है? cos ऑफ a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 cos a cos b क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इस पे आप क्या लगा देंगे? cos ऑफ a प्लस b। a प्लस b मतलब पाई बाय था cos cos ऑफ पाई बाय 13 प्लस 9π/13। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, पाई बाय 13 माइनस 9π/13। ठीक है, प्लस में क्या है? cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ये समझ आया? कुछ नहीं किया हमने, पहली दो टर्म्स की आइडेंटिटी लगाई है और बाद वालों को एज इट इज रखा है। cos a प्लस b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी क्या बन गया ये? अब ये बताओ ये क्या है? टेन पाई बाई 13। cos 10π/13 प्लस में क्या बनेगा? 8π/13 माइनस 8π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस cos 10π/13 को आप क्या लिख सकते हो? cos इसको बच्चों आप लिखोगे, देखो 10π को क्या लिख सकते हो? 13π - 3π/13। cos ऑफ दिस लिख सकते हो। अच्छा बच्चों, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। cos माइनस थीटा क्या होता है? cos ऑफ थीटा होता है। तो इसलिए इसको आप माइनस को cos माइनस 8π/13 क्या होगा? cos 8π/13 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, माइनस को आप हटा सकते हो। अब ये बचा 8π/13, इसको आप क्या लिख सकते हो? cos ऑफ 13π - 5π/13 लिख सकते हो। ठीक है, प्लस में क्या रहेगा? cos ऑफ 3π/13 प्लस cos ऑफ 5π/13। ये दोनों टर्म्स एज इट इज रहेंगे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, बताओ जरा इसमें बच्चों, अगर आप 13 से दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड करते हो, डिनोमिनेटर दोनों के नीचे अलग अलग लिखते हो, तो ये क्या बन जाएगा? cos ऑफ पाई माइनस 3π/13। अगर 13 दोनों के नीचे, दोनों के डिनोमिनेटर में सेपरेटली लिखते हो, तो ये क्या बन जाएगा? ठीक है, प्लस cos ऑफ इसमें क्या होगा बच्चों? पाई माइनस 5π/13 प्लस cos ऑफ 3π/13 प्लस cos ऑफ 5π/13। क्या समझ आया आपको? cos, ठीक है, चलें आगे। अच्छा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। इस पार्ट को आप क्या लिख सकते हो? cos 180 माइनस थीटा इज, बताओ जरा, cos 180 माइनस थीटा cos थीटा या माइनस cos थीटा? माइनस cos 3π/13।
ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस कॉस 5 पाई बाई 13 माइनस कॉस थीटा। आगे क्या है बच्चों, कॉस ऑफ 3 पाई बाई 13 प्लस में कॉस 5 पाई बाई 13। अब देखो जरा, ये टर्म इससे कैंसिल हो सकती है और ये टर्म इससे कैंसिल हो सकती है, तो क्या आ गया, जीरो। हमें जीरो ही प्रूव करना था। हाँ, यहाँ पर अगर आप cos x plus cos y अप्लाई कर देते और फर्स्ट फर्स्ट वाली टर्म को चेंज नहीं करते, इस टर्म को चेंज नहीं करते और आगे वाली टर्म को चेंज करते, तो उससे भी आ सकता था ये। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो जरा सेकंड क्वेश्चन की LHS क्या है। सेकंड क्वेश्चन की LHS को देखो जरा, cosine 3x plus sine x, sin 3x plus sin x, ठीक है, इनटू में sin x प्लस प्लस cos 3x minus cos x इनटू में cos x, और हमें इसको जीरो के इक्वल प्रूव करना है। कैसे करोगे जीरो के इक्वल इसको, देखो जरा, sin x plus sin y, sin x plus साइन वाई, क्या होता है साइन एक्स प्लस साइन वाई बताओ, साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है, टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू। साइन एक्स प्लस साइन वाई की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। इस ब्रैकेट के ऊपर बच्चों आप ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा, टू साइन थ्री एक्स प्लस एक्स बाई टू एंड कॉस ऑफ 3x माइनस एक्स बाई टू, ठीक है, इनटू में जो साइन एक्स है एज इट इज रहेगा, तो इस साइन एक्स को हम एज इट इज रखते हैं, है ना। अच्छा, प्लस में बताओ जरा, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है बताओ, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई की आइडेंटिटी बच्चों क्या होती है, माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पर माइनस टू, माइनस की तो यहाँ माइनस कर देते हैं, फिर माइनस टू साइन थ्री एक्स प्लस एक्स बाई टू, थ्री एक्स प्लस हाँ इंटू साइन थ्री एक्स माइनस एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स, बताओ बच्चों क्या आया, टू साइन, ये क्या बन गया भाई, फोर फोर बाई टू, टू एक्स हो जाएगा, ये बताओ कॉस ऑफ थ्री एक्स माइनस एक्स बताओ, टू एक्स बाई टू एक्स और इंटू साइन एक्स एज इट इज रहेगा माइनस, आगे क्या बनेगा, टू साइन ऑफ थ्री एक्स प्लस एक्स फोर फोर एक्स, फोर एक्स बाई टू 2x sin of 3x minus x, तो 2x आएगा x और cos x as it is रहेगा, ठीक है, 2 sin x into cos x as it is। बच्चों अगर ध्यान से देखें तो दोनों टर्म एक जैसी है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, क्योंकि दोनों में sin 2x है, cos x है और sin x है, ठीक है, दोनों एक जैसी टर्म है और बीच में माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा, जीरो, यही हमारी आरएचएस, ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में देखो जरा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर, और आरएचएस आप बुक में देखो बच्चों क्या प्रूव करना है इसको, फोर कॉस स्क्वायर एक्स, फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है,
आओ, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ये बताओ जरा। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है प्लस। अच्छा बच्चों ये मत अप्लाई करो इस पे, ये लंबा हो जाएगा इससे तो, क्योंकि यहाँ से कॉस स्क्वायर आएगा, वहां से साइन स्क्वायर एक्स आएगा, दोनों को जोड़ेंगे वन बनेगा, ये काफी लंबा हो जाएगा। एक काम करो, आप आइडेंटिटी लगाओ इस पे, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई की आइडेंटिटी अप्लाई करो इस पे, क्या होगा? टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू, टू कॉस इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन टू, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। माइनस में साइन एक्स माइनस साइन वाई की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर। क्या समझ आया आपको? दिस इज, अब एक बात बताओ, टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? फोर। ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू, ये क्या हो गया? एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ठीक है। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ बच्चों, अब हम जल्दी जल्दी पढ़ा करेंगे। माइनस ये बताओ जरा, फोर क्या हो गया ये? लिखते रहो साथ साथ, साइन स्क्वायर सुनते रहो और लिखते रहो, और जहां नहीं समझ आए वहां मुझे बता दो, ठीक है साथ के साथ। ठीक है बच्चों चलें आगे, देखो जरा दिस इज इक्वल टू। अच्छा अब फर्स्ट में और सेकंड में देखो कुछ कॉमन है क्या? कॉस स्क्वायर दिस, यहाँ पर भी देखो तो कॉमन ले लें, फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू, इसको कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ठीक है। अच्छा बच्चों लिसन, ये बीच में क्या कैसा साइन था? प्लस साइन था, जो गलती से मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। अब आप इस वाली टर्म को देखो, ये क्या है? दिस इज लाइक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सो यू कैन राइट इट एज वन, सो फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू क्या आ जाएगा? फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू के इक्वल आ जाएगा ये, ठीक है चले आगे। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो बिल्कुल सिमिलर है, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। फिफ्थ पे आ जाओ जरा, साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स, साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन ऑफ फाइव एक्स, ठीक है प्लस साइन ऑफ सेवन एक्स इक्वल्स टू। राइट हैंड साइड क्या गिवन है बच्चों? देखो जरा क्या प्रूव करना है हमें इसको, राइट हैंड साइड हमें गिवन है फोर कॉस एक्स, फोर कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू साइन फोर एक्स, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करोगे जरा? एलएचएस हमारा ये है, इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों, बताओ क्या लिखोगे? अच्छा देखो एलएचएस में हमारे पास सारे जितने भी टर्म्स हैं वो प्लस में है, और राइट हैंड साइड वाली मल्टीप्लिकेशन में है। सो आपको ऐसी आइडेंटिटीज लगानी है जिससे राइट ये लेफ्ट साइड वाली टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे हमारे पास आइडेंटिटी होती भी है ना। अच्छा यहाँ से हम एंगल्स को थोड़ा सिलेक्शन करते हैं, एंगल्स का सिलेक्शन एक सेवन एक्स के साथ क्या ले लेते हैं? साइन एक्स को ले लेते हैं, और लार्जर एंगल को पहले भी लिख लेते हैं। सो यहाँ पर आप लिखोगे साइन ऑफ सेवन एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, कॉम्बिनेशन इसका भी बना लो, साइन ऑफ फाइव एक्स और लार्जर एंगल को पहले भी लिखो, तो वो थोड़ा सा आपके लिए बार बार एक बीच में माइनस साइन आएगा एंगल के साथ, उससे बच जाओगे आप, अदरवाइज वो माइनस साइन परेशान करेगा आपको। अच्छा साइन एक्स प्लस साइन वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, कौन बताएगा? तो ये होगा सेवन एक्स प्लस एक्स बाई टू इंटू कॉस सेवन एक्स माइनस एक्स बाई टू, ये तो हमने फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर आइडेंटिटी लगाई, ठीक है प्लस में
सेकंड में क्या है बच्चों, देखो जरा, टू साइन 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 5x माइनस 3x बाई 2। दिस साइन x प्लस साइन y क्या होता है, टू साइन x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2, करेक्ट। सो ये क्या आएगा बच्चों, 2। बताओ साइन ऑफ दिस, साइन ऑफ 7x प्लस x 8x, 8x अपॉन 2, ये हो गया बच्चों 4x। कॉस ऑफ ये वाला बताओ जरा क्या बन गया, 3x प्लस, ये बताओ जरा 2 साइन 8 बाई 2 क्या हो गया, 4x। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो गया, 2x अपॉन 2 x आ जाएगा, cos ऑफ x, cos ऑफ x दिस इज इक्वल टू क्या बन गया। अब यहां से दोनों में देखो, 2 साइन 4x दोनों टर्म्स में है, कॉमन ले सकते हैं, 2 साइन ऑफ 4x को कॉमन ले लो यहां से। आप ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर आपके पास, cos 3x प्लस में cos x, cos 3x प्लस cos x, राइट हैंड साइड में तो ऐसे प्लस की कोई टर्म नहीं है, तो फिर क्या करें, यहां पर एक बार फिर से आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, cos x प्लस cos y लग सकती है ना। सो क्या आएगा बच्चों, 2 sin 4x, अच्छा cos x प्लस cos y क्या होता है, 2 cos x प्लस y by 2, 2 cos of x प्लस y by 2, 3x प्लस x 4x, 4x by 2 क्या बनेगा बच्चों, 2x, 2 cos x प्लस y by 2 इनटू होगा cos x माइनस y by 2, x माइनस y यानी कि 3x माइनस x, 3x माइनस x by 2 क्या बन जाएगा, 2x by 2 क्या आ जाएगा, x। सो cos ऑफ x माइनस y by 2 क्या आएगा बच्चों, cos x, ठीक है। अब इन दोनों 2 को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4 4 sin 4x into cos 2x into cos x, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, साइन 7x प्लस साइन 5x, LHS क्या गिवन है हमें, साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस में साइन 9x प्लस साइन 3x, साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन cos 7x, cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x, cos 9x प्लस cos 3x, बताओ जरा कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। और RHS में क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, इक्वल्स टू आपको tan 6x प्रूव करना है इसको, ठीक है। RHS क्या गिवन है बच्चों आपको, आप इसको tan 6x के इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। देखो जरा ठीक है, न्यूमरेटर पे हमने आइडेंटिटी लगाई, ठीक है, डिनोमिनेटर पे भी सेम आइडेंटिटी लगाएंगे। बताओ जरा cos x प्लस cos y, 2 cos 7x प्लस 5x by 2, ठीक है, इंटू क्या आएगा, इंटू cos 7x माइनस 5x by 2, कौन सी आइडेंटिटी, 2 cos a plus cos a plus cos b is equal to 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 plus, आगे देखो जरा इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, cos of 2 cos
नाइन एक्स प्लस थ्री एक्स बाई टू इंटू कॉस ऑफ नाइन एक्स माइनस थ्री एक्स बाई टू। चलो आ गया टू साइन, बताओ भाई सेवन एक्स प्लस फाइव एक्स बाई टू क्या आ जाएगा, सिक्स एक्स। सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स बताओ टू एक्स आएगा, टू एक्स डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस नाइन और थ्री बताओ, टू साइन ऑफ नाइन और थ्री ट्वेल्व बाई टू सिक्स एक्स, कॉस ऑफ थ्री एक्स नाइन माइनस थ्री सिक्स, सिक्स बाई टू थ्री एक्स डिवाइडेड बाई बताओ जरा टू कॉस सिक्स एक्स, कॉस एक्स प्लस आगे ये क्या बना टू कॉस सिक्स एक्स कॉस थ्री एक्स। क्या कॉमन आ सकता है न्यूमरेटर से, कुछ कॉमन आ सकता है क्या बताओ जरा, टू साइन सिक्स एक्स कॉमन आ सकता है न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर से साइन सिक्स एक्स कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स। नीचे क्या बच रहा है बच्चों, अगर यहां से भी टू क्या कॉमन ले लें कॉस सिक्स एक्स कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचना चाहिए कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स, ये कट हो गया टू से टू भी कट हो गया, साइन अपॉन क्या कॉस क्या आ गया टेंजेंट सिक्स एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, सेवेंथ क्वेश्चन देखो जरा। एलएचएस क्या गिवन है, साइन थ्री एक्स प्लस साइन टू एक्स माइनस साइन एक्स और इक्वल क्या, किसके इक्वल प्रूव करना है, आरएचएस क्या गिवन है फोर साइन एक्स, फोर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस थ्री एक्स बाई टू। ठीक है देखो जरा बच्चों, यहां से कॉम्बिनेशन ले लो साइन थ्री एक्स माइनस साइन एक्स प्लस में साइन टू एक्स, बताओ जरा साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होगा, टू कॉस थ्री एक्स प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन थ्री एक्स माइनस एक्स बाई टू। और बच्चों अभी साइन टू एक्स को ऐसे ही रखते हैं, अभी साइन टू एक्स को ऐसे ही रखते हैं। अब देखो बच्चों ये क्या बन गया टू कॉस थ्री एक्स प्लस एक्स बाई टू, बताओ थ्री एक्स प्लस एक्स बाई टू टू एक्स और थ्री एक्स माइनस एक्स बाई टू साइन एक्स प्लस में। अब चेंज करो इसको, देखो यहां पर साइन एक्स आया है ना, तो इसको चेंज करो टू साइन एक्स कॉस एक्स में, कौन सी आइडेंटिटी लगी साइन टू थीटा। तो बच्चों यहां से टू साइन एक्स कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है टू साइन एक्स कॉमन आ सकता है टू साइन ऑफ एक्स कॉमन आ सकता है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से टू साइन एक्स कॉमन आ गया टू कॉमन आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पर कॉस टू एक्स प्लस में, टू कॉमन आ गया साइन कॉमन आ गया क्या बचेगा कॉस एक्स, बट ऐसा तो नहीं है राइट हैंड साइड पे, तो इसलिए एक बार फिर से यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। कौन सी आइडेंटिटी टू साइन, बताओ जरा आइडेंटिटी क्या लगाओगे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, टू कॉस 2x plus x by 2 into cos, बेटा cos, cos की identity में दोनों cos होते हैं, 2x plus x by 2x minus 2x minus x by 2, this is equal to 2 sin of, क्या हो जाएगा
यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया ना, यहाँ x रह गया, x रह गया, टू साइन x, टू साइन x इन टू टू, तो इस टू और टू को मल्टीप्लाई करके फोर ही लिख देते हैं, ठीक है, क्या बन गया ये फोर, फोर साइन एक्स। अच्छा बच्चों ये बताना ये क्या बना, कॉस थ्री एक्स बाई टू इन टू क्या है ये कॉस एक्स बाई टू इक्वल्स टू आर एच एस, यही प्रूव करना था, ठीक है। आगे नहीं बेटा इसमें तो नहीं है, अगला क्वेश्चन है बेटा वो तो। चलो आगे देखो बच्चों, कल मैंने आपको कुछ और आइडेंटिटीज बताई थी, क्या थी, जैसे cos 2x को आप क्या लिखते हो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहां से आप अगर 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालते हो तो वो कितनी आएगी 1 प्लस cos 2x, इसको भी एज ए आइडेंटिटी याद करना है। और बच्चों यहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आएगी, क्या आएगी cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 प्लस cos 2x बाई 2, इसको भी आपको एज ए आइडेंटिटी याद रखना है। अच्छा cos 2x, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस, अगर sin स्क्वायर x को लेफ्ट में ले आते हैं तो क्या बन जाएगा 1 माइनस cos 2x, तो इसको भी आइडेंटिटी की तरह याद रखना है बच्चों। और ये sin स्क्वायर x is 1 minus cos 2x upon 2, इसको ऐसे भी याद रखना है, ठीक है, हो गया बच्चों ये, तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर ये यहाँ पर जैसे x है तो यहाँ क्या आएगा 2x, यहाँ पर x है तो यहाँ क्या है 2x, तो ये आइडेंटिटी जरूरी नहीं x के लिए लगेगी, ये मान लो यहाँ x के जगह क्या होता, यहाँ x के जगह क्या होता x by 2 होता, यहाँ x by 2 होता तो यहाँ x आ जाता, यहाँ x by 2 होता यहाँ पर तो यहाँ x आ जाता, यहाँ मान लो 3x होता यहाँ कितना होता 3x by 2 होता, यहाँ पर कितना होता 3x by 2, तो यहाँ क्या आ जाता 3x, इससे डबल वहाँ आएगा, यहाँ मान लो कितना है 3x है by 2 है तो यहाँ कितना आएगा यहाँ फिर 3x आएगा डबल, ठीक है, तो ये डबल और हाफ का रोल चलेगा इसमें, लेफ्ट साइड में हाफ है राइट में उससे डबल है, बस ये याद रखना है, नहीं समझे, लेफ्ट साइड से डबल एंगल है राइट हैंड साइड पे, नहीं मतलब टू कौन सा नीचे का भाई, यहाँ से डबल करना है वहां तो थ्री बाय थ्री एक्स बाय टू का डबल तो थ्री एक्स ही होगा, तो उसमें टू थोड़ा बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस एंगल डबल करना है, एंगल डबल करना है बाकी कोई चेंज नहीं करना, ठीक है, पिछले क्लास में भी हमने किया था। अच्छा देखो एक क्वेश्चन है हमारा, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री, ठीक है, और x कौन से क्वाड्रेंट में, देखो जरा x कौन से क्वाड्रेंट में है, x सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब बच्चों 90 से 180 के बीच में है, x 90 से 180 के बीच में है, क्लियर है ये चीज। अब एक बात बताओ, tan x माइनस फोर बाई थ्री है, कितना tan x दिस। अच्छा अभी अभी मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वेयर, अच्छा आपको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड आपको क्या करना है, साइन x बाई टू फाइंड करना है, ठीक है, cos x बाई टू फाइंड करना है, और टेंजेंट x बाई टू फाइंड करना है, ये सब फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई है, साइन स्क्वेयर x बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स अपॉन टू, मैंने आपको बताया था ना कि लेफ्ट से डबल एंगल होगा राइट में, तो वो आपको लगाना है, ठीक है। आओ इधर देखो बच्चों, हमें साइन एक्स बाई टू की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत सुंदर, तो अब आप देखेंगे, और हमें कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की, कॉस एक्स बाई टू की भी वैल्यू फाइंड करनी है,
तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन टू। इन दोनों फॉर्मूले से आप अपनी मित्रता कर लो और घनिष्ठ मित्रता कर लो, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले से आप अपनी घनिष्ठ मित्रता कर लीजिए। अच्छा, जब साइन स्क्वेयर निकल जाएगा तो हम साइन एक्स बाय टू भी निकाल लेंगे, कॉस स्क्वेयर एक्स बाय टू निकल जाएगा तो हम कॉस एक्स बाय टू भी निकाल लेंगे, ठीक है। देखो इसके लिए, लेकिन इन सब के लिए एक जरूरी बात क्या है पता है, कॉस एक्स होना चाहिए। ये दोनों निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉस एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करें बच्चों, देखो जरा कैसे करेंगे। टेन एक्स हमें दिया हुआ है और वहां से हमें कॉस एक्स फाइंड करना पड़ेगा, तो क्या लगाएं हम, टेन एक्स दिया हुआ है ना, पहले सीकेंट स्क्वेयर एक्स फाइंड करते हैं। सीकेंट स्क्वेयर एक्स इज वन प्लस, बताओ सीकेंट स्क्वेयर एक्स क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स होगा या नहीं होगा, वन प्लस टेन स्क्वेयर क्या बनेगा बच्चों, सिक्सटीन बाई नाइन। सो सीकेंट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 25 बाई नाइन, ठीक है। सो सीकेंट एक्स कितना आगे बताओ, सीकेंट एक्स की वैल्यू कौन बताएगा, जो बताएगा उसके लिए एक एक्ट लेयर माइनस फाइव बाई थ्री, माइनस फाइव बाई थ्री। प्लस वाला हम साइन नहीं लेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस सेक। हाँ, तो सेकंड में सेक तो नेगेटिव होता है ना, तो माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, कॉस यहाँ से क्या मिल गया बच्चों, कॉस कितना आ गया, थ्री बाई फाइव। तो क्लियर किसको गई भाई आज, जोर से बोलो मिल गई कि नहीं मिल गई, वेरी गुड। हाँ, कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई फाइव, ठीक है। हाँ चलो देखो जरा, कॉस एक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा अब तो काम ही बन गया, कॉस एक्स की वैल्यू आ गई, तो देखो वहां पर साइन स्क्वायर एक्स बाय टू निकाल देते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन टू, ठीक है। दिस इज इक्वल टू वन माइनस कॉस कितना है, माइनस थ्री बाई फाइव, ये बन जाएगा थ्री बाई फाइव अपॉन टू। दिस इज बताओ कितना आ गया, फाइव थ्री जा सॉरी कितना बनेगा अभी, एट बाई टेन बनेगा, तो कितना हो गया, फोर बाई फाइव। साइन स्क्वेयर एक्स फोर बाई फाइव आ गया। अच्छा तो सेकेंड अक्लेयर आ गया, यहाँ पर सेकेंड अक्लेयर मिलेगा, कोई मुझे बताएगा कि साइन एक्स बाई टू की वैल्यू क्या होगी, टू बाई रूट फाइव। इसके बाद साथ आपको साइन बताना है, प्लस या माइनस, प्लस, ठीक है। प्लस कैसे भाई, देखो जरा इसका रूट लिया तो प्लस माइनस साइन आएगा ना, लेकिन हमें इन दोनों साइन में से एक ही लेना है, वो लेंगे हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो बताओ कौन सा साइन लेंगे, क्यों लेंगे प्लस, सेकंड में साइन प्लस होता है, इसलिए एक्लेयर सबकी कट हो गई, ठीक है। अब देखो एक्लेयर सबकी कैंसिल, क्योंकि सभी ने गलत बताया। एक्चुअली क्या है इधर आओ, इधर इधर देखो जरा, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। अब पूरे को टू से डिवाइड करो, तो 90 बाई टू इज लेस देन एक्स बाई टू इज लेस देन 180 बाई टू, 180 बाई टू। सो यहाँ से कितना आ गया, 45 इज लेस देन एक्स बाई टू इज लेस देन 90। एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स बाई टू में, और फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव आएगा, न कि इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में। बच्चे ये तो कॉस एक्स निकाला था, यहाँ कॉस एक्स बाई टू नहीं निकाला था, ये कॉस एक्स था और अब की बार निकाला है एक्स बाई टू, राइट, समझ आया आपको। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा कॉस साइन एक्स बाई टू आ गया। अब कॉस का फार्मूला तो आप यहाँ से देख लो, क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्थान का शॉर्टेज है, स्थान मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। तो कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू बताओ कितनी होगी, वन प्लस कॉस एक्स अपॉन टू, दैट इज वन प्लस कॉस की वैल्यू, ये कितना माइनस थ्री बाई फाइव है ना, माइनस थ्री बाई फाइव अपॉन में टू, ठीक है। कितना आया बताओ जरा, फाइव माइनस थ्री टू, फाइव माइनस थ्री टू, टू बाई टू इंटू फाइव, फाइव नीचे आ जाएगा ना, इससे कट जाएगा। सो कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू क्या आ गई,
वन बाई रूट फाइव प्लस या माइनस एक्स बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए क्या होगा प्लस। वैसे तो तुम्हें ये सब आना चाहिए था क्योंकि तुम ट्रिग्नोमेट्री सेकंड टाइम कर रहे हो। नेक्स्ट इज बच्चों टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू कैसे निकलेगा, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू कर दो, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी है टू बाई रूट फाइव, ठीक है, और कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी है वन बाई रूट फाइव, रूट फाइव से रूट फाइव कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी टू और पॉजिटिव आएगी क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। बच्चों ऐसे दो क्वेश्चन और हैं वो आपको करके आने हैं, प्लस इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी करने हैं और ये क्वेश्चन रिपीट करने हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपको मतलब खत्म करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मे भी शायद नया चैप्टर स्टार्ट करें या एग्जाम्पल्स में समझ नहीं आए तो वो तुम्हारे डाउट्स ले लेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।